कंपनी JSW स्टील, मैं सिर्फ स्टील को प्ले कर रहा हूं, JSW और JSPL ज्यादा मेंशन पहले इसलिए करा क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा इन कंपनीज को फायदा, खासतौर पर JSW को बहुत फायदा होता है। 776 के साल के हाई। ध्यान रखिएगा फ्राइडे का पेन आया क्यों था। सबको पता था चाइना कंसर्न्स, BHP की वो जो एक माइनिंग जायंट है उसकी एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कह रही थी कि बहुत लाइकली उठ है चाइना में स्टील आउटपुट में सिग्निफिकेंट कट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? दरअसल इसीलिए कि चाइना में वो पोल्यूशन कहा जाता है 10-20% जितना कार्बन एमिट होता है वो स्टील इंडस्ट्री से होता है, तो सेकेंड हाफ में डिमांड कंसर्न के चलते वो कट नहीं आना है, वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो कट्स आने, पर वहां पे भी लोग मान रहे हैं विंटर ओलंपिक सामने खड़े हुए हैं, चाइना में डिमांड कंट्रोल में रहने नहीं वाली है, और अगर चाइना वैसे भी आउटपुट कर्टेल कर रहा है तो लॉजिकली हमारी स्टील कंपनीज के लिए या ग्लोबली बाकी स्टील कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। तो हम तो बहती गंगा में बह गए थे फ्राइडे को, इसीलिए मैं बाउंस पे बेट कर रहा हूं। 704 तक के टारगेट, सारे कंजर्वेटिव टारगेट से मुझे नहीं पता कितना स्ट्रांग बाउंस आएगा, और स्ट्रांग आया तो फेल करेंगे स्टॉक लॉसेस। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान है, देखो बाइडेन साहब ने ऐलान किया कितना वहां पे सब स्टॉक्स चल पड़े थे, तो आज वैसे ही कुछ यहां भी होने वाला है।